जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़ा गुरप्रीत सिंह लेके हाजिर हाँ तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला यानी कि शॉर्ट एंड शार्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बट्टल बलिया में की रैली। देश की सब तो वड्डी सड़क सुरंग नूं पीएम मोदी ने कश्मीर के पाके की रेखा दस्या। कहा सुरंग बनने नाल कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा, सूबे का होगा विकास। ये जम्मू और श्रीनगर को दूरी कम करने वाली सिर्फ लंबी सुरंग नहीं है, ये लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर के लिए विकास की एक लंबी छलांग है, ऐसा मैं साफ देख रहा हूं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बट्टल बलिया में पीएम ने पत्थरबाजा से साध्या निशाना। कहा कुछ पटके नौजवान पत्थर सुट रहे हैं तो कुछ नौजवान पत्थर कट के कश्मीर का भविख बना रहे हैं। देश की सब तो लंबी सुरंग का अज प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। जम्मू के उधमपुर में बनाई गई है 9 किलोमीटर लंबी टनल। जम्मू तो श्रीनगर की दूरी 2 घंटे होगी घट। पीएम मोदी ने खुद जीप च बैठ के सुरंग का दौरा किया। इस मौके उन्होंने नाल केंद्रीय आवाजाई मंत्री नितिन गडकरी ते जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थे। केंद्रीय सड़क ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि चेनानी नाशरी सड़क सुरंग का शुरू होना देश के लिए फखर की गल है। ये 31 किलोमीटर डिस्टेंस कम का होगा और 9 किलोमीटर ये जो है ये 10 मिनट में चले जाएंगे, तो 2 घंटे का फायदा होगा। इसमें हर दिन 27 लाख रुपए का फ्यूल बचेगा क्योंकि समय कम हो गया। और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त 2018 तक हमारी कोशिश होगी कि जम्मू से श्रीनगर जो डिस्टेंस है जिसके लिए 8-9 घंटे लगते हैं ये केवल 4 घंटे में होगा। और मैं आने वाले 3 महीनों में ही जम्मू रिंग रोड और श्रीनगर रिंग रोड के भी भूमि पूजन के लिए आने वाला हूँ। आप इसमें पूरे सीजन में कभी भी जा सकते हैं और इसलिए एसेंशियल गुड्स जैसे है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, अब उसको कोई रोकने की आवश्यकता नहीं होगी और इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए ये डेवलपमेंट एक ग्रोथ इंजन होगा। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर तो सांसद जितेंद्र सिंह का मानना है कि इस टनल नाल ना सिर्फ दूरियां घट होंगियां बल्कि सनअत और व्यापार में तेजी आएगी। प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व की बात है, प्रत्येक जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए गर्व की बात है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बात का भी हर्ष और संतोष महसूस होता है कि हमारे चुनावी क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है और एक ऐसा टनल जैसे कि आपने कहा कि जो गेम चेंजर होगा, जिसे यातायात में तो सरलता आएगी ही, यात्रा में साथ ही साथ ट्रेड में, उद्योग में, बिजनेस में, पर्यटन में, टूरिज्म में। और मुझे लगता है कि यदि कोई इसकी आलोचना करता है, इसका विरोध करता है, इस पर किसी को आपत्ति है, तो इसका अर्थ यही है कि वो जनहित में राजनीति नहीं कर रहा, वो स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। नापा जेल ब्रेक मामले में हुई एक होर गिरफ्तारी। नापा जेल तो फरार गैंगस्टर अमनदीप टूटियां जलंधर के पीएपी चौक तो होया गिरफ्तार। जलंधर के पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ला ने जाने तो पहला अमनदीप नु किया गिरफ्तार। अर्पित शुक्ला का तबादला हो गया ते उन्हां नु आईजी ला दिता। कल रात को 10:30 बजे पीएपी चौक के पास एक नाके पे उसको अरेस्ट किया। इसके पास से एक 32 बोर का रिवॉल्वर, 7 लाइव कार्ट्रिजेस, 4 सिम कार्ड्स, एक मोबाइल फ़ोन भी रिकवर किया गया। ये इस फिराक में था कि किसी व्यक्ति को किडनैप करे और उससे रैंसम ले ताकि इनके जो फाइनेंसेस हैं वो ठीक हो सके। नाभा जेल ब्रेक मामले हुण तक 6 चों 4 कैदी हुए गिरफ्तार। हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू, गुरप्रीत सेखों और कुलजीत सिंह की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। गैंगस्टर विक्की गौंडर और दहशतगर्द कश्मीर सिंह अजे भी फरार।
उधर कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने नाभा जेल कांड विच हुई अहम गिरफ्तारी लई पुलिस की पिट थापड़ी है। नाल ही उन्होंने सूबे विच पनपे माफिया राज दे मुकम्मल खात्मे का वादा दोहराया। पुलिस ते अपने पोलिटिकल बॉसिस जदों प्रेशराइज उन्होंने करन तां पुलिस काम करना बंद कर दिंदी आ। जे फ्री हैंड दिता जाए तो जिथे उन्होंने अख्तियार होण ते आंसरेबल भी होण ते साडी सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री साहब वो गवर्नेंस देना चाहते पंजाब नूं जिथे हर महकमा अपना काम खुद करे उन्होंने इंटरफेरेंस पोलिटिकल इंटरफेरेंस घट तो घट हो और जो काम ना करन उदन पोलिटिकल लोग इंटरफेयर करन दसन की तैयार काम नहीं नतीजा पुलिस तो वही है जी। देखो जी गल है सरकार पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी के तहत सारे चलना पेगा और सरकार चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी हो मीडिया पॉलिसी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के अज लोड़ है। इको केबल माफिया हो मीडिया माफिया हो मैं समझा माफिया तो किसी किस्म का भी हो चाहे पोलिटिकल माफिया हो सारे से शिकंजा कसया जाना चाहिए। खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल अपने विधानसभा हल्के बठिंडा पहुंचे जिथे उन्होंने लोगों दी मुश्किलां सुनिया। इस दौरान मनप्रीत ने कहा कि सूबे चो केबल माफिया नूं खत्म करांगे ते नाल ही उन्हां नौजवानां लई रुजगार दे मौके वधाउण दी भी गल आखी। सब मैं उन्हां दे घर भी होके आया सी जिन्हां ने सुसाइड कीता सी और मैं तमाम तुसी क्योंकि तुसी खुद मीडिया बिजनेस चो तो मैं थोनों इस गल की खुशखबरी देवांगा कि आने वाले बजट सैशन दे विच पंजाब सरकार एक केबल अथॉरिटी एक्ट नवा एक्ट बनाने जा रही है। ये एक नवा कानून बनेगा जिदे च कि एक बंदे दे हाथ च नहीं होगा जिदा दिल करेगा वो अपने केबल का कारोबार कर सकता है और ये नवा कानून जिहड़ा अगले तिना महीनों च पंजाब च नाफिज कर देंगे। कारोबार जिहड़ा ठप हो चुका है कारोबार दे जिहड़ा है पहिया तेजी ना चल सके बच्चों रुजगार दे मौके मिल सकन और खास करके दो चार वड्डे कारखाने जिहड़े है जिहदे च वड्डी पद्धर ते मुलाजमत जिहड़ी है कोई पेट्रोकैमिकल प्लांट कोई कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस किस्म दे कारखाने आ इस अंदेशे नाल असीं बठिंडे दा विकास करन दी कोशिश करांगे। कांग्रेसी आगू राजकुमार विरका ने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी शिद्दत नाल काम कर रही है ते माइनिंग माफिया नूं खत्म करन लई अहम कदम चुके जा रहे हैं। ऐसा पहले थे तो था ये था ना कि रेत खेत तो किसान का और रेत जथेदारों की ये बंद किया जाएगा और जिसकी जमीन वही उसकी रेत वही मालक वही बेचे और सस्ता बिकेगा और आज के बाद तो आप देखेंगे कि ये गरीब को मकान बनाना और डेवलपमेंट के काम में रेत का जो काम है वो बहुत सस्ता होगा और हमारा पूरा ध्यान पूरा फोकस में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार केबल माफिया नु खत्म करन च वचन बंद है और ये भी जड़ी सामने गल आई है कि खाली एफिडेविटा दे उपर खाली अस्टामा दे उपर जड़े केबल ऑपरेटरां दे कोलों सैन करवाए गए है उन्हां दी एप्लीकेशनां भी बहुत सारियां आ गईयां और एक जांच कमेटी दा गठन जड़ा हैगा वो पंजाब पद्धर दे उपर एक जांच कमेटी दा गठन करन जा रहे हैं ताकि जड़े भी कोई दोषी है उन्हां नूं बख्शा ना जाए। और जिथों तक जस्सी सुसाइड मामला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एक कांड होया वो सुसाइड होया उसके सामने बयान होए मैं समझना किते ना किते ये दबाया गया केस है इनू रीओपन करांगे और किसी भी दोषी नूं बख्शा नहीं जाएगा। साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल ने दल बदलुआ ते लाए निशाने कहा अजकल पार्टी प्रति वफादारी चाहे का टिकट ना मिलने ते साथ छड़ जांदे ने आगू। आप छोटे सामने सिद्धू है बीजेपी ने उन्हें लिया के इन्ना कुछ किया और खास करके जेटली साहब ने
बहुत ही उन्होंने इज्जत दी और इलेक्शन भी उन्होंने कर पार्टी छड़ी उतना तुम देखोगे सारे पार्टी छड़ने वाले मनप्रीत जी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया सब चीज बनाया ईवन अमरिंदर सिंह भी अकाली दल मिनिस्टर से टिकट नहीं मिली पाजी। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗਲੇ 'ਚ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਚੌਖੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ MCD ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। मैं आम आदमी पार्टी के साथ चल रही थी, मेरे को अभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मगर इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मुझे तब इनके साथ मजबूरन मैंने यहाँ पर, मैंने कोई विरोध प्रदर्शन कहीं नहीं किया और ना ही मेरा कोई मोटिव था कि मैं विरोध प्रदर्शन करूँ। आपने मुझे कहीं पर भी फेसबुक सोशल मीडिया अरविंद केजरीवाल के यहाँ देख सकते हैं, मैंने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, मगर आज एक घड़ा भी ना भर चुका था पाप का इनका, तो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਨਾ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਖਾਗਨੀ। ਉਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਜੀਂਦ ਦੀ ਨਰਵਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ 11 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਪਿਓਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਕੇਸ ਕੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਮ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 10-20 ਦਿਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਭਿਵਾਨੀ CIA ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਵਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। UP ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਚਿਕਨ ਤੇ ਮਟਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਨਿਗਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੰਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚੰਤਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀ। We'll be right back.
रात वेले गोबिंदगढ़ किले च हुंदा है खास प्रोग्राम। महाराजा रणजीत सिंह दे जीवन उत्ते दिखाई जांदी है 7D फिल्म। जो गोविंदगढ़ किला है इसकी कहानी 250 साल पुरानी है, जहाँ पे यहाँ पे चार जनरेशन पहले भंगी मिसल कम्युनिटी रहती थी, उसके बाद में महाराजा रणजीत सिंह थे, फिर ब्रिटिश आर्मी कैंप की और उसके बाद में इंडियन आर्मी कैंप की। अब जाके ये किला खुला है आम पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए। चेत नरात्यां दा छेवां दिन देश भर के मंदिरां च उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। अज मां कात्यायनी दी हो रही है उपासना। सबसिडाइज्ड एलपीजी गैस सिलेंडर 5.57 रुपए होया महंगा। दिल्ली विच सबसिडाइज एलपीजी दी कीमतां 440.50 रुपए प्रति सिलेंडर हुई। रियो ओलंपिक 2016 में भारत को कांसे का तगमा दगवाने वाली कौमांतरी पहलवान साक्षी मलिक का विआह पहलवान सत्यव्रत कादिया नाल हो रहा विआह। कोलंबिया च जमीन खिसकण नाल भारी तबाही, हुण तक तकरीबन 200 लोगों की मौत। राहत अते बचा दे कामां च तेजी लियांदी। भयानक साइकलोन डेवी नाल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विच भारी तबाही। रोकहैम्पटन शहर के टूरिस्ट रिजॉर्ट्स नूं भारी नुकसान। इलाके विच बिजली गुल। अमेरिका के वर्जीनिया विच टॉरनेडो के कहर तो बाद जिंदगी नूं पटड़ी ते लियाउण दी कवायद शुरू। पेरू विच हड़ नाल जिंदगी दी रफ्तार ते लगी ब्रेक। प्योरा शहर विच नहर दे बहाव ते मिट्टी तसण नाल 100 तो ज्यादा लोगों की मौत। उत्तरी चीन दे घर विच धमाका, 9 लोगों की मौत ते 7 जख्मी। जी मीडिया नाल खास गलबात विच बोले फिल्म बाहुबली दे डायरेक्टर राजामौली, बाहुबली तो भी वड्डी फिल्म बनाई जा सकती है। सपनियां नूं परते ते उतारन दे लई चंगी टीम चाहीदी। बाहुबली दी कहानी नूं छोटे परते ते लियाउण दी तैयारी। डायरेक्टर SS राजामौली ने तैयार कीती 10 तों 13 एपीसोड वाला सीजनल शो बनाउण दी योजना। ते तेज रफ्तार खबरां दे सिलसिले च इन्ना ही। दिओ इजाजत। धन्यवाद।